आपको फेसबुक का पासवर्ड नहीं पता है, तो चलिए आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने फेसबुक के पासवर्ड को जान पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने मोबाइल के यहाँ से गूगल को ओपन कर लेता हूँ। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ से प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ मैनेज योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन है, आपको यहाँ से गूगल अकाउंट पे क्लिक कर देना है। गूगल अकाउंट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, ये होम, पर्सनल इन्फो और डाटा एंड प्राइवेसी का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ से इसे स्क्रॉल करना है। और ये जो ये सिक्योरिटी वाला ऑप्शन है, आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स जब इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड मैनेजर का ऑप्शन है, तो आपको इस पासवर्ड मैनेजर पे क्लिक करना है। पासवर्ड मैनेजर पे क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फेसबुक का ऑप्शन है, तो चलिए यहाँ पे हम फेसबुक पे क्लिक करते हैं। फेसबुक के क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड है मोबाइल का वो आपको डाल देना है, तो चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। मैंने अपने मोबाइल का पासवर्ड डाल दिया और देखिए यहाँ पे फेसबुक का पासवर्ड शो कर रहा है। आपको यहाँ से देखने के लिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये जो है इस आई बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका यहाँ पे पासवर्ड दिख जाएगा, और आप चाहे तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते। चलिए हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे कॉपी कर लिया, और चलिए अब हम आपको परमानेंटली डिलीट करके भी दिखा। मैंने जो यहाँ से फेसबुक ओपन करके रखा है, इसको यहाँ से फेसबुक पे जाएंगे, और फेसबुक पे जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करें, यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा फ्रेंड्स। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से पासवर्ड एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए ये इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देखिए एक ऑप्शन आ रहा है अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे डिलीट अकाउंट का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू अकाउंट डिलीटेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कंटिन्यू अकाउंट डिलीटेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, और यहाँ पे डिलीट अकाउंट का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे डिलीट अकाउंट पे क्लिक करना है। डिलीट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हम इसमें पासवर्ड डाल देंगे, तो चलिए हम पासवर्ड यहाँ पे डाल देते हैं। मैंने डाल दिया और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, और आपको यहाँ पे डिलीट अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। इस तरह से जब आप फ्रेंड्स डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, और ध्यान रहे इसको आपको एक महीना तक दोबारा से लॉग इन नहीं करना है। इस तरह से आपका अकाउंट परमानेंट डिलीट हो जाएगा, और हो सके तो आप अपने फेसबुक ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दीजिए, इससे लॉग इन होने का चांसेस और भी कम हो जाएगा। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक यहाँ से लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि ऐसे ही आने वाली यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो इस कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।